हेलो दोस्तों, वेलकम टिप्स ऑफ डे कैड कैम ट्यूटोरियल्स। आज मैं कैड मॉडल का एक सिंपल सा ड्राइंग बनाऊंगा, डिज़ाइन। तो अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो, बढ़िया लगता हो, तो चैनल को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आगे वीडियो मैं ज़्यादातर डिज़ाइन का ही बनाऊंगा, कैम के भी बनाऊंगा कुछ। तो चलिए सबसे पहले हम इस ड्राइंग को रीड कर लेते हैं। तो जो इस कंपोनेंट की टोटल लेंथ है, जिसकी टेपर लगी हुई है इसमें, वो 10 मिलीमीटर है। 5 mm इसका फ्लैट एरिया थोड़ा सा, और 6 mm का ये कॉलर है ये वाली, और 3 mm ये, और ये टोटल मिला के अपना 24 mm हो जाता है। और इसका जो डायमीटर है 59, ये छोटा डाया 59 है ये वाला। तो टेपर का एंड पॉइंट है, जस्ट स्टार्ट पॉइंट सॉरी, वो है 50। तो सबसे पहले हम एक व्यू लेंगे, राइट व्यू, राइट प्लेन सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से मैं सेंटर लाइन लगाऊंगा यहाँ तक, और इसको हम 24 mm सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम एक लाइन चूज़ करेंगे, हम पहले सीधा फ्लैट बनाएंगे, ठीक है, टेपर और फ्लैट में बस। और इसमें एक होल भी है, 38.5 का थ्रू होल है, वो भी हम साथ में क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो इस पे हमें इसको लेंथ इसकी मैं डिफाइन कर देता हूँ 10 मिलीमीटर, ठीक है। और इस पॉइंट से और इसके सेंटर की जो 50 mm, ठीक है, और इसका जो डायमीटर है वो हमारा 59, ओके। और इसमें एक चीज़ और है, वो यहाँ पे हम इसमें जो सेंटर होल है वो भी हम साथ में क्रिएट करेंगे, 38.5 mm का जो थ्रू होल है, ठीक है। जो एक्स्ट्रा लाइन्स है उनको ट्रिम करना ज़रूरी है, ये वाली, ओके। और यहाँ से लेके हम इसको मेक कॉन्सिलेंट, ओके, और इसको भी होल्ड करके मेक कॉन्सिलेंट, ओके। तो ये हमारा फुली डिफाइंड स्केच हो चुका है, यहाँ से रिवॉल्व करेंगे, ओके। और इसके बाद हम इस पर क्लिक करेंगे और हम जाएंगे ज्योमेट्री प्लेन, ठीक है, फ्लिप साइड, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये 3 mm का स्टेप है, तो हम 3 mm उसको शिफ्ट कर दे रहे हैं, 3 mm आगे शिफ्ट कर दिए, ओके। अभी आपको क्या करना है, आप यहाँ पे क्लिक करोगे स्केच प्लेन पे, स्केच नॉर्मल, तो डायामीटर हो चुका है, ठीक है ना। जैसे जैसे मैंने आपको बताया 59 ये वाला है, तो हमने सिंपल बना लिया। अब जो आगे का चीज़ है, वो मेन चीज़ है ये, तो इस सेंटर से यहाँ तक का होल 37 PCD इसकी बन रही है, ठीक है ना। होल हम मारेंगे 7 mm डायमीटर का, तो हमें आउटर डायमीटर निकालना है ये वाला। तो अभी मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, जैसे क्लियर नज़र आए। तो इसमें दो ऑप्शंस दी हुई हैं, या तो ये डिग्री है हमारे पास 67.6 डिग्री है ना टोटल मिला के, और इसमें एक ऑप्शन दिए 5 mm की टेपर है बोथ साइड, और इसकी टॉलरेंस 8 से लेके 7.5 mm इसका रेंज है। तो मान लीजिए हम 7.5 mm इसका डिस्टेंस मान लेते हैं, ठीक है। अब PCD अगर हम निकालें तो ये 37 है, तो इसको डबल कर देंगे तो ये 74 बन जाएगा, और ये 7.5 है, 7.5, इसको हम डबल इंक्लूड करेंगे इस साइड का भी और इस साइड का भी, तो ये हम 15 mm ये हो गया हमारा। अगर हम 16 भी लगा लेते हैं, अगर हम 16 लगाते हैं 16 mm 16 mm, तो 74 में प्लस करेंगे तो 80 हो जाएगा, अगर हम 15 लगाते हैं तो 89 हो जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले हम एक 74 का PCD मारेंगे, सर्कल लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम आते हैं, ओके, हम एक सर्कल लगाते हैं 74 का, ठीक है, 74 का सर्कल लगा दिया,
और इसको हम कन्वर्ट करेंगे कंस्ट्रक्शन में, और ये आउटर को सिलेक्ट करके हम कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम ये एक लाइन, तो पहले मैं यहाँ पे एक सर्कल लगा रहा हूँ, ठीक है, ओके। तो ये इसका डायमीटर 7 mm, और अभी हमें क्या करना है, ये 12 mm इसका फ्लैट एरिया और इसकी जो डिस्टेंस है 8 से लेके 7.5 के बीच बीच रखना है। तो फ्लैट एरिया हमें कितना रखना है, 12.6 mm, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम एक लाइन लगाता हूँ, मैं सिंपल रैंडमली लगाऊंगा यहाँ पे, यहाँ तक लगा देते हैं, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैं एक ओरिएंटल, ओके, इसकी मैं लेंथ डिफाइन कर देता हूँ 12.6, और इसका मिडल पॉइंट सेलेक्ट करके होल्ड शिफ्ट मेक वर्टिकल, तो ऑटोमेटिकली ये सेंटर में आ चुकी है। और इसके बाद हमें इसका डिस्टेंस, इस सेंटर से इसका डिस्टेंस डिफाइन करना है। हम यहाँ तक रखेंगे इसको 7.5, ठीक है। और अभी हमें, अब क्या करना है, हमें यहाँ से एक लाइन लगानी है इधर, तो जिसका इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक डिफरेंस 5 mm, ये दोनों तरफ लगेगी, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक सेंटर लाइन चूज़ करूँगा, ठीक है, ओके। और यहाँ से लेके यहाँ से और इधर, ओके। तो अब हम ये प्रोफाइल बना चुके हैं ये वाली, ठीक है ना। तो अभी हम इस पर एरे लगाएंगे, ठीक है। तो अगर हम इसको फुली डिफाइन करना चाहते हैं तो यहाँ से लेके इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ, ओके। तो स्केच हमारा पूरा ब्लैक हो चुका है, फुल डिफाइन हो चुका है। अभी हम एरे लगाएंगे, सर्कल में जाने के बाद हम इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, ओके। तो अभी हम ये 8 चाहिए, ये हम 8 लगा दिए, और इसके बाद हमें ये लाइन को कनेक्ट करना है बस। आप एक लाइन कनेक्ट कर लो, उसके बाद हम एरे लगाएंगे फिर से। इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे 8 एरे लगा दूँगा, ठीक है, ओके। तो मैं इसको भी सिलेक्ट करके होल्ड शिफ्ट करता हूँ, तो अभी हमें एक्सट्रूड बॉस बेस में जाना है, और यहाँ से हमें इसको डायरेक्शन चेंज करनी है इसकी, ठीक है। और यहाँ पे हमें रखना है 6 mm, ओके, ठीक है। तो अभी आप देखोगे, और हम इसको हाइड कर देंगे ये प्लेन को। अभी आप देख सकते हो कि हमारा कंपोनेंट रेडी हो चुका है, ये इसका व्यू है, जैसे हार्ट होल थे और टेपर और इसके जो स्टार बने थे वो हमने बना दिए। तो बहुत ही सिंपल सा ट्यूटोरियल है, अगर आपको अच्छा लगा हो, इससे कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें। और हमारा वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।